तो भाई ये देखें, ये निकल आया बंदा भाई। चार किलो वो लेता है, दो किलो, डेढ़ किलो, दो किलो वो उसके बुरी है गंद कचरा उसमें जा जा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद है खुश और खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ एक और न्यू व्लॉग में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थरपारकर के खूबसूरत खेतों में मौजूद हूँ। आज फिर से मैं खेत घूमने आया हूँ और आपको दिखाने आया हूँ किसान लोग कैसे काम करते हैं, अपना खेतों में कैसा काम करते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो दिखाने आया हूँ मैं आपको। और जो थरपारकर के बारिशों के बाद माशाल्लाह बहुत अच्छे खेत हुए हैं और आपको थरपारकर के जो व्यू, उनके जो खेत वगैरह हैं, उनके जो व्यू दिखाते हैं। चलो वहाँ चलन पर न्यू चलन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चलो चलते हैं, आपको खेत दिखाते हैं और किसानों का काम दिखाते हैं आपको। चलो वहाँ तो ढलान है ये, अब जाते हैं नीचे खेतों में और आपको दिखाते हैं। यहाँ से भी माशाल्लाह आप व्यू देख सकते हैं, कितने खूबसूरत खेत हैं थरपारकर के। तो खूबसूरत खेत में एक खूबसूरत घर है, उसके अंदर हम चल रहे हैं। कड़ा लें खुश हो, तैयार हो, तैयार। तो भाई इस मैं खेत में मौजूद हूँ, यहाँ पर एक अपने हिसाब से फॉर्म है, खेती बाड़ी भी करते हैं उसके अलावा, और यहाँ पर खूबसूरत घर भी बना हुआ है, झोपड़ी बनी हुई जिसमें हम चौरा भी बोलते हैं, और इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर जो सोलर प्लेट है उनके ज़रिए जो कुआ है उनसे पानी वगैरह निकालते हैं, वो भी यहाँ पर जो सोलर प्लेटें हैं वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। पहले जो पानी था वो कुआं गधों से या ऊँटों से पानी निकालते थे, अब सोलर प्लेट है उनके ज़रिए ये पानी निकालते हैं, अंदर मोटर है उनके ज़रिए ये पानी निकालते हैं। ये देखें, ये पूरा बाजरा है और इतना बाजरा है ये भाई निकाल रहा है। हाँ देखें, अब इस चक्की में लगा रहा है, देखें। ये देखें आटा निकल रहा है। पहले के ज़माने में जो गांव थे वहाँ पर बिजली वगैरह नहीं थी, इस तरीके से चक्की चलाते थे और जो बाजरा होता उनके ज़रिए और इस चक्की के ज़रिए आटा वगैरह निकालते थे। देखें इस तरीके से ये पूरी मिट्टी की बनी हुई है, ये इसकी कुछ चादर वगैरह कह सकते हैं, ये पूरी मिट्टी की बनी हुई है, ऊपर ये पत्थर है, नीचे ये पत्थर है। इस तरीके से जो गांव वगैरह होते हैं उनमें चक्कियाँ इस तरीके से होती थी, छोटी चक्कियाँ जो घर में हर घर में होती थी। ये बाजरे का आटा निकला है, आप देख सकते हैं इस तरीके से गांव वगैरह उनमें चक्कियां चलाते हैं, इस तरीके से जो बाजरे का आटा है देखें ये निकल गया बाजरे का आटा ताज़ा। तो ये जो आप देख सकते हैं ये कुआ है और इसके अंदर शायद कोई आदमी है, वो जो कुएं में अगर मिट्टी वगैरह होती है ना वो उस निकाल रहा है, मिट्टी अंदर है। हाँ भाई, हाँ आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, देखें नीचे है बंदा तो है भाई। हाँ सेट कर रहा मोटर भाई। अच्छा कितना फुट है ये नीचे कुआ? कुआ है माँ फुट आपको बताऊँ 240। कितना है भाई?
240। अच्छा 240 भाई। हाँ 10 फुट बोर अंदर बोर गया है। अच्छा हाँ भाई, तो भाई 240 फुट है नीचे और बंदा नीचे है और मिट्टी निकाल रहा है भाई। ये देखिए ये कुआ है, ये मिट्टी निकाली है उस कुएं से, ये देख सकते हैं। हाँ ये मिट्टी है, ये मिट्टी निकाली है कुएं से। मिट्टी निकालने से क्या होगा भाई, कुछ बता दें। मिट्टी निकालने से भाई कुआ साफ होगा। अच्छा, पानी अच्छा देगा। अच्छा हाँ, तो पानी सही आएगा। पानी कौन सा है, कड़वा है मीठा है? मीठा है पानी। मीठा पानी है। अच्छा भाई, कितना खर्चा किया आपने इस फॉर्म पर? आपने तकरीबन 3 लाख तक हुए। अच्छा 3 लाख हो गए खर्चा। ये गजरा है, पालक है, मूरी है। अच्छा, और कणकीब है। अच्छा, अभी सीजन आ रही है। अच्छा सही है। और काफ़ी ये बता रहा है कि काफ़ी मेरा खर्चा हुआ है इस फार्म पर। छोटा ही फार्म है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, मगर 3 लाख का खर्चा है। 3 लाख बहुत बड़ा खर्चा। अब जो कुएं में जो आदमी अंदर है उसको बाहर निकाल रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये बाहर निकालते हैं। आपको दिखाते हैं ये रस्सियों के ज़रिए, वो सामने वो खींच रहे हैं बंदे, 3 बंदे हैं खींच रहे हैं। और इसके अंदर है, कुएं के अंदर आदमी भाई है जो अंदर सफाई कर रहा था, वो निकल रहा है बाहर, वो आपको दिखाते हैं। वो आराम से आराम से, ना ना आराम आराम से। तो भाई ये देखें, ये निकल आया बंदा भाई। हाँ हाँ हाँ, सलाम है भाई आपको। भाई यार इतने गहरे में आप अंदर, डर नहीं लगा आपको? डर लगा ना, मजबूरी पानी की है यार, बहुत तकलीफ है। अच्छा अच्छा, पानी का मसला इस वजह से आप? मसला उसको पानी। अच्छा अंदर क्या कर रहे, सफाई कर रहे थे? मिट्टी सफाई करने, मिट्टी कर रही है, सफाई गंदे हो गए। अच्छा अच्छा, ये इसके देखिए, इसके पास टॉर्च वगैरह वो भी है। नीचे तो जाहिर ही रोशनी तो नहीं होगी, अंधेरा है, तो इस वजह से ये टॉर्च वगैरह सारी लेके गया था। ये बंदा देखें, ये बंदा था जो कुएं के अंदर था। ये इस बंदे के पास कोई सेफ्टी बेल्ट वगैरह वो नहीं था, खाली रस्सा था, उसके अंदर ही, उसके ज़रिए नीचे गया था, उसके ज़रिए बाहर आया था। और अगर सेफ्टी वगैरह हो वो भी नहीं थी इस बंदे के पास। थरपारकर के लोग बड़े एक मजबूत लोग हैं और मेहनती भी लोग हैं। गाइस आपने देखा जो थरपारकर में कुएं वगैरह होते हैं, उनमें जो अगर गंदा पानी आने में तो उसकी जो सफाई करते हैं, जरिए से सफाई करते हैं। कुओं में अंदर लोग जाते हैं और सफाई करते हैं, बड़े मेहनती लोग हैं। पानी का यहाँ तक थरपारकर में ज़्यादातर पानी का मसला है, कड़वा पानी होता है। कुछ ऐसी जगहें होती हैं, कुछ ऐसे गांव होते हैं जहां पर मीठा पानी होता है, ज़्यादातर तो कड़वा पानी होता है थरपारकर। तो ये देखें आपने, इस जो किसान भाई ने ये बनाया हुआ है, इसके ऊपर रात को सोता है और जो जानवर वगैरह उनके हिसाब से खेत में नुकसान न करे, इस वजह से ये देखें किस तरीके से बनाया हुआ है। और ये देखें ये खेतों में जो झोपड़ियाँ बनी हैं, उसके जो किसान के घर होते हैं, वो इसका किसान का ये घर देखते हैं। ये इस तरीके की झोपड़ी है, ये वाटरमेलन, और ये जो थर की जो सब्ज़ी है, चिबड़ है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। और ये चूल्हा भी अभी जल रहा था, मुझे लगता है चाय अभी बनाई है। हाँ चाय अभी बनाई है। आपका अमोलक? अमोलक नाम है जी। हाँ तो भाई ये है अमोलक का खेत है, ये सामने आप देख सकते हैं। और इस के खेत के मालिक का ये घर है, छोटा सा रहते हैं, बिल्कुल इधर रहते हैं। अच्छा रोटी इधर ही पकाते हैं। अच्छा रोटी यहीं पर पकाते हो? हाँ यहीं पर पकाते हैं। अच्छा कितना फसल हुआ है आपका? फसल तो अभी इकट्ठे किया है, अंदाजे पे 10-12 मण बाजरा हो जाएगा। अच्छा 10-12 मण ग्वार हो जाएगा। अच्छा सही, 2-3 मण मूंग हो जाएगा। अच्छा और अच्छा ऐसा हो जाएगा, सही थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। सही 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 सही।
और हमें लकड़ी से कूटते हैं तो उस वजह से तो उसमें अनाज नहीं जाता है। सही है। थ्रेशर में निकालते हैं तो मन ते 2 किलो 3 किलो वो लेते उसके ले 4 किलो वो लेता है, 2 किलो 1.5 किलो 2 किलो वो उसके बुरी है गंद कीचड़ उसमें जाता है। अच्छा, इसमें जो आप ये लकड़ी से बाहर करते हैं इसमें ये नहीं जाता? कुछ नहीं जाता है, साफ वो गंद निकल जाता है। अच्छा, अनाज साफ होता है। अच्छा ना, उसमें जो बोरी है उसमें भी वो बीज चला जाता है, वो थ्रेशर में चला जाता। अच्छा, है। अच्छा सही सही। ये देखिए आप, ये किसान लोग किस तरीके से ये मेहनत है, बड़ी मेहनत करते हैं। ये कहते हैं कि हम अगर थ्रेशर चलाते हैं तो थ्रेशर से हमारा तकरीबन 2-3-4-5 किलो नुकसान हो जाता है, तो हम ये लकड़ी से जो व्यवहार करते हैं इसमें जो बीज वगैरह है वो साफ जो 4-5 किलो एक्स्ट्रा जाता है वो बच जाता है, ये कह रहा है चाचा। ये है किसान लोग उनकी ये ज़िंदगी है जो डेली की रूटीन होती है, खेतों में किस तरीके से ये काम करते हैं, रात को किस तरीके से रहते हैं, वो आपको दिखाया मैंने। और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग आपको कैसा लगा वो कमेंट कर पहले लाजमी बताएँ, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।